हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। आज हम बात करेंगे कि आप नई बाइक लेने में कैसे 10 से लेकर 15,000 से 30,000 तक का डिस्काउंट आप पा सकते हैं, यानी 10 to 30,000 तक का डिस्काउंट आप कैसे पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए कि कैसे आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो हुआ क्या दोस्तों, मार्केट में ना एक साल पहले से एक हवा सी चल पड़ी कि मार्केट में BS6 की बाइक्स आने वाली, यानी BS6 इंजन की बाइक्स आने वाली हैं। तो हुआ क्या कि लोगों ने BS4 बाइक्स लेना बंद कर दिया, यानी कम कर दिया। तो अब हो क्या रहा था कि मार्केट में कंपनी जितना बना रही थी स्टॉक, तो उसका 70-80% ही बिक रहा था। यानी अगर रॉयल इनफील्ड की बात करें तो रॉयल इनफील्ड की 20-30% सेल डाउन हो गई थी, बजाज की भी 20-30% सेल डाउन हो गई थी, लगभग हर कंपनी की 20-30% सेल डाउन हो गई। तो कंपनी बना रही है 100 बाइकें लेकिन बिक रही हैं आगे 70-80 बाइकें, हर कंपनी के पास 20-30 बाइकें स्टॉक में फंसती जा रही थी। तो ये बाइकें फंसते अब काफ़ी ज़्यादा बाइकें उनके पास इकट्ठी हो चुकी हैं। तो हमने अब करना क्या है, हमने करना ये है कि हमने सही टाइम का इंतज़ार करना है, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सही टाइम कब आएगा, तो सही टाइम मैं आपको बताता हूँ कि कब आएगा। सही टाइम आएगा नेक्स्ट ईयर के मार्च महीने में, यानी मार्च महीने के जो लास्ट के 2 वीक्स होंगे उसमें आप अगर बाइक परचेज करेंगे ये, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी डिस्काउंट मिलेंगे। अगर आप 50,000 की बाइक लेने जा रहे हैं तो आपको 10 तक का डिस्काउंट आराम से मिल जाएगा। अगर 1,00,000 की लेने वाले हैं तो आपको 15,000 से 20,000 तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 1,50,000 की बाइक लेने वाले हैं तो 25,000 से 30,000 तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। ये फिगर कम से कम और ज़्यादा भी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन कि उस समय क्या कंडीशन चल रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सारी 2-व्हीलर कंपनियां हमें इतना बड़ा डिस्काउंट क्यों देना चाहती हैं, तो उसका रीज़न मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आपको 1 अप्रैल से पहले अपने सारे BS4 वाले मॉडल आपको सेल करने पड़ेंगे। अगर आप सेल नहीं करेंगे तो आप उसके 1 अप्रैल के बाद उन मॉडल्स को बेच नहीं सकते। तो इसलिए सारी कंपनियां चाहती है कि उनके सारे मॉडल्स निकल जाएं। तो अभी तो वो आपको डिस्काउंट नहीं देंगे, अभी आपके सामने शो नहीं करेंगे कि हाँ हमें, हमारे पास काफ़ी स्टॉक भसा हुआ है, हमें जल्दी है, हमें अपने स्टॉक को निकालना है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है कि उनको अंदर से काफ़ी ज़्यादा जल्दी है, तो इसलिए वो सारे स्टॉक को निकालना तो ज़रूर चाहते हैं। अब आप फिर से सोच रहे होंगे, अब इस बार ये सोच रहे होंगे कि ये बंदा BS6 के इंजन छोड़ के हमें BS4 वाले इंजन की बाइक लेने का क्यों बोल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि BS4 और BS6 में अंतर सिर्फ पोल्यूशन का है और कुछ नहीं है। पहले तो हम BS का मतलब जानते हैं। BS का मतलब है भारत स्टेज। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है कि स्टेजेस बना दिए हैं, जैसे BS3 थी तो BS4 आई उसके बाद, अब BS5 के बदले सीधा BS6 आ रही है। तो उसमें हुआ क्या है कि जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ रही हैं वैसे वैसे पोल्यूशन को कम किया जा रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजीज लाई जा रही हैं जिससे बाइक का जो पोल्यूशन है वो कम हो जाए। तो BS4 से BS6 में आपका 20-30% पोल्यूशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन उसके अलावा ऐसा और कोई बेनिफिट नहीं है जो आपको मिलेगा, ना ही पिकअप बढ़ेगी, ना ही एवरेज बढ़ेगी, ना ही और कोई खास इस पर बेनिफिट होगा, होगा तो सिर्फ ये पोल्यूशन कम होगा। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। आपके चैनल सब्सक्राइब करने से होगा ये कि आपकी मोटो दोस्त के साथ एक फ्रेंडशिप बॉन्ड बन जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।